नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। आज का विषय है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण भी कहते हैं। कोई भी घर खरीदते समय वो बिल्डर से, प्रमोटर से, एजेंट से लिया हो, इसमें आने वाली परेशानी या दिक्कत, जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ उसका पालन न होने पर, इस तरह की संस्था में सारी व्यवस्था दी गई है, कब शिकायत करनी है, कहाँ करनी है, किस कारण से करनी है। इस रेरा का गठन 2016 में किया गया। सभी राज्यों में अलग अलग रेरा गठित किए गए हैं, जो विक्रेता एवं अचल संपत्ति क्रय करने वाले को होने वाली परेशानी या विवाद से न्याय संगत निराकरण, सही लेन देन हो जैसा कि एग्रीमेंट में होता है। फ्लैट खरीदते समय अपार्टमेंट या जमीन से जुड़ी संस्था है ये, इस तरह के किसी भी विवाद को ये अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग अथॉरिटी राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट की जाती है। नोटिफिकेशन इसका जारी होता है, जहां पर शिकायत करनी होगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की जा सकती है। रेरा में घर खरीददार को एग्रीमेंट के हिसाब से यदि बिल्डर पजेशन न दे, सही मटेरियल उसमें न लगाए, जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ है उसका पालन न करे, सूद के साल मूल उसका वापस न लौटाए, सही समय में पजेशन न दे आदि, किसी भी तरह की कोई शिकायत होने पर रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समक्ष प्रत्येक राज्य में बने हुए अलग अलग ऑफिस हैं, जिसमें बैठने वाले अर्ध न्यायिक संस्था के अधिकारी के समक्ष शिकायत की जाती है, जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा या आठ से अधिक ऊपर यूनिट वाले प्रोजेक्ट आते हैं। क्षतिपूर्ति की मांग के लिए प्रमोटर, बिल्डर, एजेंट के खिलाफ शिकायत की जाए, और इसमें शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत का क्या कारण है, संपत्ति कौन सी है, एग्रीमेंट क्या हुआ था उसकी कॉपी, सारे दस्तावेज, रियल एस्टेट एजेंट का नाम, प्रमोटर का नाम, यदि न्यायालय में कोई विवाद लंबित था तो उसके निराकरण से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने होंगे, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह से शिकायत रजिस्ट्री से भी भेजी जा सकती है। शिकायत प्रस्तुत करने के बाद 60 दिवस के अंदर रेरा की अथॉरिटी को इस शिकायत का निराकरण करना होता है। इसमें वकील की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सहायता के लिए वकील की मदद ली जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने की फीस अलग अलग राज्यों में 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक निर्धारित की गई है। रेरा के आदेश के खिलाफ 60 दिवस के अंदर रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो आदेश पक्षकारों के पक्ष में आता है, उससे जो भी पक्षकार क्षुब्ध है या परेशान है या उससे खुश नहीं है, वह 60 दिवस के अंदर माननीय उच्च न्यायालय जो भी राज्य का है उसके समक्ष अपील कर सकता है। इस प्रकार घर खरीदने वालों के हितों का ध्यान रखते हुए यह अधिनियम बनाया गया है, जो अत्यंत प्रभावी है तथा भविष्य में इसके अच्छे प्रभाव तथा इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। मित्रों, मैंने इस चैनल पर कुछ रेरा से संबंधित पूर्व में भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी जानकारी के लिए देख सकते हैं। यह वीडियो ऑल अबाउट रेरा के संबंध में करीब करीब मैंने सभी महत्वपूर्ण बातें, कब, कहां, कैसे शिकायत करें, किसके समक्ष करें, कब करें, कितने दिन में अपील करें, सारी बातें बतलाने का इस वीडियो में प्रयास किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस, कानूनी जानकारी, लीगल अपडेट्स तथा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आपको जानकारी के लिए प्राप्त होते रहें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य देश से संबंधित सभी तरह के कानूनों की जानकारी आमजन तथा लोगों को देना है। अतः यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों, समाज के लोगों को लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।